जेएनयू में देश विरोधी नारा लगाने के आरोप में गिरफ्तार कन्हैया को 14 दिनों के लिए फिलहाल तिहाड़ जेल में रहना होगा। जिस आतंकी अफजल के लिए नारे लगा रहे थे, जेल में अब उसी अफजल के कमरे में रहेंगे कन्हैया। जिस अफजल को सही बता रहे थे कन्हैया, अब उस सेल में उसे अनुभव भी करेंगे। जिस भारत की फिजा में विष घोल रहे थे कन्हैया, अफजल को शहीद बताने के लिए अब उसी सेल में वही विष उन्हें 14 दिनों तक सताएगा। जेएनयूएसयू के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को तिहाड़ जेल ले जाया गया। अधिकारियों ने जेल परिसर के अंदर उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया है और राष्ट्रद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे छात्र नेता की सुरक्षा के लिए हर समय नजर रख रहे हैं। कन्हैया को उसी वार्ड में रखा गया था जहां अफजल गुरु को रखा गया था। कन्हैया को तिहाड़ की जेल नंबर 3 की सेल में रखा गया है। इससे पहले अफजल गुरु को भी जेल नंबर 3 में रखा गया था। सुरक्षा के लिहाज से कन्हैया को सीसीटीवी की निगरानी में रखा गया है। इसके पहले कन्हैया ने जेल अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। कन्हैया को अकेले रखा गया है ताकि उस पर कोई हमला न कर सके। पटियाला हाउस कोर्ट परिसर से कन्हैया को ले जाने के दौरान वकीलों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। कोर्ट परिसर में कन्हैया का मेडिकल टेस्ट कराया गया। उसे कोर्ट के लॉकअप तक ले जाने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में करीब 100 वकील खड़े थे और नारेबाजी कर रहे थे। स्थिति के मद्देनजर पुलिस को कन्हैया को पटियाला हाउस कोर्ट के पिछले गेट से ले जाना पड़ा। पेशी के दौरान वकीलों ने कन्हैया कुमार के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। वकीलों ने कन्हैया को कोर्ट ले जाते समय घेर लिया और पिटाई की। यही नहीं, उन्होंने कुछ मीडिया कर्मियों पर पत्थर भी फेंके। जेएनयू में एक कार्यक्रम के सिलसिले में राष्ट्रद्रोह के आरोपों के मामले का सामना कर रहे जेएनयूएसयू अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस ने 12 फरवरी को गिरफ्तार किया था। उन्हें 2 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कन्हैया की गिरफ्तारी का विरोध और उनकी रिहाई की मांग करते हुए जेएनयू के छात्र हड़ताल पर हैं, जिससे जेएनयू में शिक्षा व्यवस्था चौपट है।